हाय यूट्यूब, दिस इज देव एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और आज हम बात करेंगे एक इंग्लिश बजी और एक नॉर्मल बजी के डिफरेंस में, कि एक इंग्लिश बजी में क्या डिफरेंस होता है और एक जो नॉर्मल बजी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने ना एक नॉर्मल बजी का मेल है उसको साथ में रखा है और एक इंग्लिश बजी की फीमेल है मैंने उसको साथ में रखा है। ऑल राइट, तो आप सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इनके साइज में, वो तो आप देख पा ही रहे हैं। ऑल राइट, नॉर्मल बजी जो राइट साइड में है आपके बिल्कुल ही छोटा है एंड जो इंग्लिश बजी की फीमेल है जो लेफ्ट साइड में है वो बड़ी है। ऑल राइट, पहला डिफरेंस तो इनमें इसका हो गया। सेकेंडली, अगर मैं फेदर की बात करूँ तो जो फेदर पैटर्न्स होते हैं, मतलब आप इनके इनका जो नेकलेस जिसको बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स है आप उनको देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिफाइंड होता है इंग्लिश बजी में और जो नॉर्मल बजी है उसमें थोड़ा कम होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, वो जो मेरा मेल है वो बिल्कुल एडल्ट है, सोम हो आपको याद भी होगा, बट इसका जो है अभी वो इतना नेकलेस कुछ खास आया नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश बजी की फीमेल है इसका नेकलेस बहुत अच्छा है। एंड इसके जगह अगर मैं किसी मेल को रखूँ ना तो मेल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगेगा, फीमेल तो इतनी बड़ी होती नहीं है, बट मेल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है साइज़ का, फर्दर पैटर्न्स का। और अगर मैं फेदर क्वालिटी की बात करूं तो गाइस, अगर आप एक इंग्लिश बजी को पकड़ते हैं तो उसका फेदर क्वालिटी जो है बहुत अच्छा होता है, उसके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ऑल राइट, मतलब पकड़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा एक बर्ड पकड़ा है जिसके फेदर्स बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन जो नॉर्मल बजी होता है उसका जो फेदर क्वालिटी है वो मतलब नॉर्मल होता है। मैं आपको पकड़ के एक बार दिखाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। जैसे ये देखें, ये मेरे सोमो है, तो मेरा टेम्ड है, इसको मैं पकड़ रहा हूँ और इसमें मैं फूक मारता हूँ। देखिए इसके इतने बड़े बड़े कुछ फेदर्स हैं नहीं, आप देख पा रहे हैं राइट। लेकिन मैं इसकी जगह इस फीमेल को पकड़ता हूँ, फीमेल टेम नहीं है। और लेकिन गाइस, इंग्लिश बजीज के साथ एक अच्छी बात पता है क्या होती है, कि ये इतनी जल्दी ये काटते नहीं है। आप देख रहे हैं, मैंने अब इस फीमेल को पकड़ा है, इसकी फेदर इसके फेदर्स देखिए, मेरी उंगलियां ढक रही हैं इसके फेदर्स से। हालांकि मैंने इसको इतना तेज नहीं पकड़ा है, आराम से ही पकड़ा है, लेकिन इसके फेदर की क्वालिटी देखिए आप, देखना पता चल गया। तो फेदर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनके फेदर्स जो है बड़े बड़े होते हैं साइज में, इंग्लिश बजी के बहुत बड़े बड़े फेदर्स होते हैं, नॉर्मल बजी के छोटे छोटे फेदर्स होते हैं। थर्ड थिंग, एक और चीज़ जो आपको पता चल रहा होगा कि जो ये इंग्लिश बजीज होते हैं ना, ये थोड़े कम वोकल होते हैं। मतलब खैर ये तो राइट साइड में तो मेल है, लेकिन जो इंग्लिश बजीज के मेल होते हैं ना वो ज़्यादा चिरपिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा गाना वाना नहीं गाते हैं, और गाते भी हैं तो उनका जो साउंड होता है वो काफ़ी ऊंचा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बजीज की बात करूँ, जैसे कि मेरे पास ये सोमो है, तो ये जो है जब ये गाना गाता है तो ये बहुत देर तक गाता रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा एक लाउड वॉइस में ये गाता है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं इनके बिहेवियर के ऊपर। तो देखिए, इंग्लिश जो बजी होता है ना वो बहुत लेट बैक नेचर का होता है, मतलब वो रेस्ट करना पसंद करता है, उसको ज़्यादा चिरपिंग नहीं पसंद होती है, बहुत शांतिप्रिय होता है। लेकिन जो ये अपने नॉर्मल बजीज होते हैं ना, ये हमेशा उछलते कूदते रहना, खेलते रहना, भागते रहना, इसीलिए जो नॉर्मल बजी है इसको टेम करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और जो इंग्लिश बजी है उनको टेम करना काफ़ी आसान। सेकेंडली, अगर आप एक नॉर्मल बजी लेते हैं और बड़ा होता है वो, मतलब लक्ष्य है कि वो 2 महीने का है, तो उसको टेम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी के जगह अगर आप एक इंग्लिश बजी लेते हैं जो 2 महीने का है, हैंड फीडिंग पे नहीं पला, फिर भी आप उसको थोड़े टाइम में उसको जो है आप आराम से टेम कर सकते हैं। तो इंग्लिश बजीज मोर टेमेबल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल बजी टेम नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। जो ये मेरे सोमो है अभी तक मेरे को काटता नहीं है, अभी तक मेरे हाथ पे बैठ जाता है ये, और इसको मैं निकालता नहीं हूँ, कभी कभार निकाल लिया। तो नॉर्मल बजी के साथ आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अगर उसके साथ आप बॉन्डिंग बनाए रखना चाहते हैं। तो इंग्लिश बजीज के साथ आप थोड़ा कम भी टाइम दें,
फिर भी वो आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से वो टेम रहते हैं, अच्छे से ट्रेन रहते हैं। और क्योंकि इनका नेचर थोड़ा काम होता है तो बहुत जल्दी ट्रिक्स भी सीख जाते हैं। आप नॉर्मल बजी को इतनी जल्दी ट्रिक्स सिखा नहीं सकते, लेकिन उसी की जगह अगर मैं बात करूँ एक इंग्लिश बजी की, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ट्रिक्स आप उसको सिखा सकते हैं। एंड इसको इनको हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो अगर आपको कोई टेम बर्ड चाहिए तो प्रेफरेबली आप कोशिश करें कि एक इंग्लिश बजी लाएँ। एंड लोग बोलते हैं कि जो इंग्लिश बजी की एज होती है वो कम होती है, वो कितनी कम होती है मैं बता देता हूँ। जो आपका एक इंग्लिश बजी अगर आप उसको ठीक से रख पाए तो 8 to 9 ईयर्स आपके पास दी जाएगा। वहीं जो नॉर्मल बजी है तो 13, 14, 15 ईयर्स, वो भी बहुत रेयर सिनारियों में, अदरवाइज तो उन वो भी 8, 9, 10 साल ही जी पाते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल आपको करना नहीं होता, सेम सीट खाते हैं, सेम तरह के इनकी रख रखाव होती है। बट हाँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है एग्जिबिशंस को, क्योंकि इनके फेदर्स ज़्यादा होते हैं, थक के थोड़ा जल्दी जाते हैं। थोड़ा मैंने कहीं सुना तो है कि इनको हार्ट डिजीज़ होता है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ ऐसे सिम्टम्स मुझे अपने बर्ड्स में दिखे नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड अगर आप चाहें तो इंग्लिश बजीज भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा कम शोर मचाने वाला बजी चाहिए तो इंग्लिश बजीज आर दी बेस्ट। तो खैर, इसी पॉइंट पे रहते हुए अपना वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। एंड देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी वेटिंग, बाय बाय।